बड़ी गर्मी आज भी है ना। तो क्या हाल है भाइयों के, वेलकम बैक टू चैनल ऑपरेटिंग वेल। सो आफ्टर सो लॉन्ग, नियरली आफ्टर 7 to 8 months, मैं किसी राइड पे जा रहा हूँ। ऑल्दो इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय मी, बट स्टिल राइड पे तो जा रहा हूँ ना यार। तो स्पीति के बाद ये मेरी पहली राइड है, उसके बाद ना मैंने कोई संडे राइड करी, ना कोई लोकल राइड करी, और बीच में चैनल बंद कर दिया था, तब तो वैसी राइड नहीं करी थी। तो बोल सकते 7-8 महीने बाद मैं किसी राइड में जा रहा हूँ। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, बट ऑल्सो आई एम स्केर्ड बिकॉज गर्मी देखो कितनी है यार, और मैंने पहन लिया राइडिंग जैकेट, मैं उबलने वाला हूँ पूरी तरह। सो आई डोंट नो कितने राइडर्स ज्वाइन करे, कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। मेरे को तो एक मेरे फ्रेंड है ब्रूटल राइडर, उन्होंने कॉल करी थी दैट ही इज ऑर्गेनाइजिंग अ राइड, तो बस उनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मना कर रहे जाने को? नहीं, जाए। क्या हुआ? हुआ क्या? सो आई जस्ट होप गाइस कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही हो, बिकॉज आजकल GoPro पता नहीं क्या कर रहा है, मेरा ऑडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरा पूरी की पूरी वीडियोस खराब हो जा रही हैं। मैं वैसे लेट नहीं हूँ, पूरे 10 बजे आया हूँ मैं। ओहो मेरी बाइक पे 10 बजे अभी, बड़े लोग भाई, GoPro Hero 9 है ना, कैसा बड़ा भाई भाई आजकल लोगों को हो क्या रहा है यार, ठोक दी गाड़ी, दिन खराब है भाई आज का। हमको भी ना आराम से चलाना पड़ेगा, रास्ते में बगलमुखी का मंदिर आएगा, वहाँ पे माथा टेक लेंगे एक बार दूर से। तो गाइस हमको ज्वाइन कर लिया हरियाणवी राइडर ने भी। तो जो लोकेशन डिसाइड हुई है वो है, नाम उसका देरा एंड पॉइंट, ऐसा कुछ नाम था, मेरे को पता नहीं है, मैं वहाँ पे कभी गया नहीं हूँ, बट साहिल भाई बोल रहे हैं कि अच्छी लोकेशन है, सुंदर लोकेशन है। ओह माय गॉड, व्हाट अ लीन मैन, अमेजिंग। गाइस ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, और एक कुत्ता। हेलो सर। तो गाइस यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने बाइक भगानी है भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिचुएशंस देख के भगाओ, आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ह्यूमंस को ना एनिमल्स को। ओपी ब्रो, ओपी यार। अमेजिंग मैन, आई कांट डू दिस। भाई ये दोनों नहीं मान रहे यार, बहुत खतरनाक चल रहे हैं ये लोग। जय बगलामुखी माता, प्लीज हमारी राइड सेफ बनाना। ओह माय गॉड, इनसेन मैन। ये वाला रोड तो गाइस पूरा का पूरा ट्रैक की तरह यार, लाइक यहाँ पे इतने लीन्स हैं, मतलब आप तंग हो जाओगे कि इतने लीन्स हैं। NS40 आरुण भाई 125 तक गई थी, और मैंने नीचे देखा नहीं कितना था, बट थी काफ़ी ज़्यादा स्पीड। ओह मैन, दैट्स इनसेन। ओह भाई क्या सिनेरियो है ये, जस्ट लुक एट देम, फुल मोटो जीपी से लग रहा है ये। पानी है यहाँ पे, मे बी यस मे बी नो, चेक कर लेते हैं। बॉटल तो मैं हमेशा कैरी करता हूँ गाइस, एंड इफ यू आर राइडिंग आपको भी हमेशा बॉटल कैरी करनी चाहिए, गर्मियों में तो मस्ट है। चेक आउट द लाइन अप गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 बाइक्स। हेलो चंडीगढ़ याद आ गया गाइस, यहाँ से सामने वाला रास्ता चंडीगढ़ को जाता है, बट हमने चंडीगढ़ नहीं जाना है। तो जो लोकेशन है देरा एंड पॉइंट, उसके लिए आपको देरा बस स्टैंड वाला रास्ता लेना पड़ेगा। ओके सो वी हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न, ये वाला रास्ता गाइस देरा बस स्टैंड को जाता है, तो हमने लेफ्ट टर्न लेना है भाई। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बट यहाँ पे एक बिल्डिंग सी आएगी, आई डोंट नो क्या है, बट यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। भाई 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 ऑफ रोड करना पड़ रहा है, इतनी मिट्टी उड़ा रहे हैं ये लोग। ओहो वाइजर के अंदर तक आ रही है,
आरन थिंक आपको दिख रहा होगा कुछ, साफ कर लेता हूँ भाई लेंस को। स्पीति वाइब्स, फुल स्पीति वाइब्स भाई, स्पीति की याद आ गई। ऑफ रोड ही ऑफ रोड है, बाइक लेके तो जा रहे हैं भाई, लानी कैसे वापस, मुश्किल हो जाएगा काफी। सो हियर्स आर लोकेशन मे बी, और कुछ टूट गया यार मेरी बाइक में, मेरे को लग रहा है ऐसा, मगर मेरे को मेरे रेयर से थोड़ी सी ऑकवर्डनेस फील हो रही है। भाई सुंदर ही लोकेशन है यार। दिस वॉज द लोकेशन, ऐसी कुछ लोकेशन आप मेरे पीछे देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वॉज अ लाइनअप। दिख रहे हो सारे, दिख रहे हो, हेलो कर दो फिर बढ़िया तरीके से। तो गाइस ये ब्रूटल राइडर, तो ब्रूटल राइडर आप कुछ कहना चाहेंगे दो शब्द? सो सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, माय नेम इज सचिन, एंड वाचिंग, मैं हूं ब्रूटल राइडर। सो कैमरे में अपनी शक्ल बहुत कम दिखाता हूं, और आज मतलब मैंने एक्सपोज कर दिया ब्रूटल राइडर। हां एक्सपोज समझ लो एक टाइप से। आपके होंठ काले क्यों है सर? सर ये टैनिंग की वजह से। ये क्या हो रहा है, ये उंगलियां क्यों हो रही है, ये उंगलियां क्यों हो रही है? आई डोंट थिंक गाइस कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे। अभी हमने थोड़ी सी लोकेशन चेंज करी है, काफ़ी ज़्यादा ओपन लोकेशन में अभी हम आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लोकेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वैसे तो पानी होता है यहाँ पे, बट पानी है नहीं यहाँ पे, तो आई एम इन्जॉइंग। काफ़ी टाइम बाद मैं राइड पर आया हूँ, तो मज़ा आ रहा है मेरे को। आई जस्ट होप आवाज़ क्लियर आ रही हो यार, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हवा है यहाँ पे, बिकॉज एक तो ओपन एरिया है, काफ़ी ज़्यादा ओपन, तो देखते क्या सीन बनता है। तो गाइस अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ के चिल कर रहा हूँ, अभी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लोकेशन है। हाँ जी सर, कैसे हो सर? आप भी ब्लॉग में आएंगे? तो ऐसे कुछ लोकेशन है गाइस। बाकी अभी मैं राम प्यारी के साथ बैठ के थोड़ा सा चिल कर रहा था, पीछे से थोड़ी स्टंटिंग वगैरह कर रहे, बट आई एम नॉट मच इनटू स्टंटिंग, तो मैं स्टंटिंग वगैरह अवॉइड कर रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, बस वाइब इन्जॉय कर रहा हूँ। बाकी देखते क्या सीन बनता है, अभी दोपहर हो रही है, 2 बज रहे हैं दोपहर के, देखते कब तक यहाँ से निकलते हैं। बाकी मज़ा आ रहा है यार, गर्मी है नो डाउट, बट यहाँ पे गर्मी फील नहीं हो रही क्योंकि हवा चली हुई है, तो बढ़िया लग रहा है। सो गाइस एज आई मैंशनड अर्लियर, मेरे GoPro मेरे को काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है ऑडियो का, यहाँ पे भी ऑडियो ग्लिच हो जाती है, पूरी की पूरी फुटेज में ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। सिर्फ इसी फुटेज में नहीं, आगे जितने भी फुटेज है किसी में भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। बट स्टे ट्यून्ड गाइस, काफ़ी ज़्यादा मसाला, जितना भी मसाला भी आगे वीडियो में ही है, अनफॉर्चुनेटली ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है उसमें, बट नो वरीज, वॉइस ओवर करके मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं गाइस, थोड़ा मैं धीरे बोलूँगा, चिल्लाऊंगा नहीं, बिकॉज आपको पता ही है रात को कितनी ज़्यादा शांति होती है, थोड़ा आराम आराम से बोलूँगा। तो आई जस्ट होप कि आप मेरी ऑडियो को जज नहीं करेंगे, मेरी आवाज़ को जज नहीं करेंगे, इस टाइम मजबूरी समझेंगे। तो अभी रात को एडिट ही कर रहा था मैं, एडिट करते करते मैं देखता हूँ कि फुटेज में ऑडियो नहीं है, बट नो वरीज, वॉइस ओवर करते हैं बढ़िया तरीके से। तो गाइस इस सिचुएशन में भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉल हो जाती है, मेरे को तो लगता है कि क्रैश हो जाएगा, बट लकीली बच जाते हैं यहाँ पे। बट मेरे को एक तो सुबह से फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ तो भाई गलत होना ही है, और जाते टाइम इतना ज़्यादा रैश चल रहे थे, सब कुछ ना कुछ होना था, मेरे को पता था पहले से। तो अभी इसके अगली फुटेज में आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था, बट यहाँ पर भी आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉल थी ये वाली। तो गाइस यहाँ पे ऐसा होता है कि गलत ओवरटेक लेने की वजह से बाइकर्स का एक साथ कोलिजन होता है, और दोनों एक साथ बचते हैं, और साथ में एक बाइकर को गिरना पड़ता है। लकीली गाड़ी की ब्रेक्स लग जाती है, अदरवाइज पूरी की पूरी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं हुआ था, बट हो सकता था काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट ये हो सकता था। बाइकर की गलती थी यहाँ पर, गाड़ी वाले की गलती भी थी यहाँ पर, गाड़ी वाला काफ़ी ज़्यादा लेन के अंदर चल रहा था, वो भी आउट ऑफ स्टेट था, बट बाइकर की भी काफ़ी ज़्यादा गलती थी, और इतना ज़्यादा हॉरिबल एक्सीडेंट था ना गाइस, मतलब आप देखो इसको यार, देखो बाइक का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था गाइज। हमको ही पता है कि बाइक हम कैसे लेकर आए थे, बट थैंक गॉड
कि ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है, सब कुछ बच जाता है, सब कुछ मतलब सेफ रहता है, ज़्यादा इशू नहीं होता है, कुछ भी हो सकता था गाइस। सो प्लीज़ राइड सेफ, आराम से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरटेकिंग प्लीज़ अवॉइड करो, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अभी देख लो यार, बहुत ज़्यादा हॉरिबल था, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल। तो गाइस अभी थोड़ा सा क्रैश हो गया था, थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्रैश हो गया था, तो भाई को थोड़ी लग गई है, कुछ ज़्यादा ही लग गई है, ठीक होने वैसे था। तो गाइस अभी आराम से चलेंगे, तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सीडेंट स्पॉट था, सड़क पे मार्क्स आ चुके हैं। गोप्रो मैंने अभी चेक करा था, फुटेज मेरे पास है बट उसमें ऑडियो नहीं है, तो विदाउट ऑडियो मैं उसको यूज़ कर लूँगा, वॉइस ओवर कर दूँगा। बाकी गाइस प्लीज़ राइड सेफ, हम भी आराम से चलेंगे। अब हेलमेट था इसीलिए भाई बच गए हैं, दोनों ने हेलमेट पहना था ना आपने, तभी बचे हैं, नहीं तो हेलमेट नहीं होता तो भाई कुछ भी हो सकता था, बड़ा मेजर इंजरी आ सकती थी। राइडर आप थे ना, तो ठीक है गाइस, मेरी आत्मा गाइस इसमें आ गई थी, ब्रूटर राइडर की आत्मा इसमें आ गई थी, ये अंधे पास पीछे मैं चला था, रिएक्शन तो मेरा था असली, मैं हेलमेट के अंदर चिल्ला पड़ा था, मतलब ये क्यों हो गया। आप चिल्ला गए थे जो मेरा हैंडल हुआ गाड़ी के साथ लगा ना, तब मुझे असली पता चला कि ओ माय गॉड। गाइस प्लीज राइड सेफ, अभी हम भी राइड आराम से करेंगे। अभी मेरे को पता नहीं है कि GoPro ऑडियो आगे कैप्चर करेगा कि नहीं करेगा, बाकी देखते, अगर नहीं करेगा तो वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज अभी मैंने फुटेज चेक करे थे। ये क्या टूटा जो सामान, एक तो क्लच टूटा और ये पता नहीं, तो आगे क्या बनता है, थोड़ी देर तो यहीं पे रुकेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। राइड सेफ, राइड सेफ, तेज चलाने छोड़ दो, हमने भी छोड़ दिया, इसने नहीं छोड़ा, पर ये गंदा बनता है। सो आई जस्ट होप गाइस कि अभी GoPro ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हो। हाँ जी बैठो, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है क्योंकि मैं सबसे सेफ राइडर हूँ, तो मैं भाई को लेके जाऊँगा अब सेफ। काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल इंसिडेंट हो गया, जितनी एक्साइटमेंट थी, जितना बढ़िया तरीके से इंजॉय करके आ रहे थे, उतना ही अब बुरा लग रहा है दैट क्यों हो गया ऐसा, बट गलती भी हमारी है, हम ही तेज चल रहे थे, वी वर एक्टिंग लाइक छपरीज, दैट्स वाई दिस इंसिडेंट हैपेंड। आपको भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी आपने आउटकम देखा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ अभी। तो गाइस प्लीज़ सेफली ओवरटेक किया करो, सेफली राइड करा करो। अभी कुछ आइडिया नहीं है मेरे को, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है यार, इसका आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। अडैप्टर भाई 5000 का दे रहे हो आप, मेरे पास अपना नहीं है, अपना नहीं है मेरे पास। आराम से चलो ब्रो, ख्याल रखो अपना, राइड सेफ ब्रो, चलो सर। तू तो आगे तक है भी थोड़ा सा, मैं अकेला ही हूँ फिर आगे। दर्द हो गई भाई, काफ़ी टाइम बाद राइड की ना, ये करना नेसेसरी था क्योंकि इस बस वाला अलाउ नहीं करता ओवरटेक करने के लिए। आप कहाँ पे चले सर आप, ओहो बड़े से बड़े हैं धुरंधर यहाँ पे। तो गाइस बीच में मेरा माइक काम करने स्टार्ट हो जाता है बट बीच में फिर से बंद हो जाता है, तो आउट्रो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो अभी मेरे को फिर से आउट्रो वॉइस ओवर में बोलना पड़ रहा है। तो गाइस प्लीज़ राइड सेफ, राइड केयरफुली, और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा आपको लेसन मिला होगा कि आपको तेज़ नहीं चलना, कुछ भी हो सकता है रोड्स पे, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं रोड, तो प्लीज़ यार ख्याल रखो अपना और अपने घर वालों का, मिलते अगली वीडियो में।